Hello everyone, in this video lecture we are going to take some important questions based on chapter 12 electricity of class 10th science. Here first one is the absence of which particle makes certain material insulator. कोई particle है जिसकी absence के कारण जो material है वो as a इंसुलेटर बिहेव करता है. वी आर गिव द नेम ऑफ दैट पार्टिकल. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेक्स सर्टेन मटेरियल इंसुलेटर. अगर किसी मटेरियल में एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो तो वो मटेरियल एज अ इंसुलेटर बिहेव करता है. बी पार्ट गिव टू एग्जाम्पल ऑफ मटीरियल रेफर्ड इन ए पार्ट. सो जो इंसुलेटर होते हैं उनके लिए एग्जांपल हमारे पास आ जाएगा रबड़ वैक्स माइका आर इंसुलेटर्स. क्वेश्चन नंबर टू नेम द क्वांटिटीज हैविंग द फॉलोइंग एसआई यूनिट कूलम सेकंड इनवर्स. कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज एंड सेकंड इज द टाइम. तो चार्ज पर यूनिट टाइम दैट इज करंट. फॉर दैट क्वांटिटी इज एम्पियर एंड सिंबल इज आई. सेकेंड वन कूलम. कूलम इट इज अ यूनिट ऑफ चार्ज. क्वांटिटी आ जाएगी चार्ज और सिंबल आ जाएगा क्यों. नेक्स्ट वन है सी वोल्ट. इट इज अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल. सिंबल फॉर इट कैपिटल वी. फोर्थ वन ओहम. इट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एंड सिंबल फॉर इट कैपिटल आर. क्वेश्चन नंबर थ्री ए पार्ट नेम द पार्टिकल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मेटल सच एज अ कॉपर. कोई भी मेटल है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो वो किसके कारण फ्लो करता है और जिस पार्टिकल के द्वारा करंट फ्लो करता है आपने उसका नाम बताना है. तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मेटल. जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मेटल. बी पार्ट इफ इन अ कंडक्टर करंट फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है लेफ्ट टू राइट तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे. सो एज वी नो दैट द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. मीन्स अगर करंट लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो राइट टू लेफ्ट फ्लो करेंगे. सो इसका सेकंड का आंसर हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. क्वेश्चन नंबर फोर एन इंस्ट्रूमेंट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कंडक्टर थ्रू विच करंट इज फ्लोइंग नेम द इंस्ट्रूमेंट. एक इंस्ट्रूमेंट जो है जिसको हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में विद द कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो करता है दैट इज उसका नाम होगा एमीटर. क्योंकि एमीटर को ऑलवेज हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं. नेम द क्वांटिटी मेजर्ड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट. और जो ये इंस्ट्रूमेंट है मतलब एमीटर है ये क्या मेजर करता है. दिस इज मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. मतलब ये जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में से उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करता है. क्वेश्चन नंबर फाइव इज द सर्किट शोन अलोंग साइड ओपन और क्लोज. अभी जो हमारे पास ये सर्किट दिया हुआ है ये ओपन है कि क्लोज है. देखो आप यहाँ पे देख सकते हो आप ये की जो है आपस में टच नहीं है तो ये सर्किट जो है वो ओपन है. सेकंड व्हेन क्लोज्ड शो द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. अगर हम इसको क्लोज कर देते हैं एज वी नो दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. इन द सर्किट जो करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव
की तरफ फ्लो करता है। व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड करंट फ्लो थ्रू द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एज शोन इन दिस फिगर। क्वेश्चन नंबर 6, टू स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गिवन रजिस्टर R1 एंड R2 एंड प्लॉटेड द फॉलोइंग VI ग्राफ्स। दो स्टूडेंट्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गिवन रजिस्टर के लिए, जिनकी रजिस्टेंस R1 और R2 है, और वो ग्राफ प्लॉट करते हैं VI मतलब पोटेंशियल और करंट के बीच में। सो फर्स्ट जो हमारे पास फिगर है, यहाँ पे अलोंग एक्सिस करंट आ गया, बाई एक्सिस पोटेंशियल, और सीरीज के लिए आ गया लाइन और पैरेलल के लिए। सेकंड में क्या है, पैरेलल के लिए लाइन ये रेड वाली है और सीरीज के लिए ये दूसरी वाली। विच ऑफ द टू ग्राफ अबव इज करेक्टली लेवल इन टर्म्स ऑफ द वर्ड सीरीज एंड पैरेलल, जस्टिफाई योर आंसर। इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो करेक्ट होगा फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इन दोनों केसेस में जो ग्राफ फर्स्ट है वो करेक्ट है, और इसके लिए रीजन क्या है, फॉर ए सर्टेन अप्लाइड वोल्टेज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स विल ड्रॉ मोर करंट ड्यू टू इट्स लोअर रेजिस्टेंस। तो जब आप सर्किट में सीरीज रजिस्टर लगाएंगे सीरीज में, तो हमारे पास इन दैट केस करंट जो होगा वो कम होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जो होगी सर्किट में वो इंक्रीज हो जाएगी। बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी तो करंट जो है उसकी ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पे जो फर्स्ट फिगर है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, अ सब्सटेंस डज नॉट अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू इट, इट हाउएवर गेट्स इलेक्ट्रीफाइड व्हेन रब्ड विद कैट स्किन, ए पार्ट। What is the nature of this substance? एक सब्सटांस जो है वो करंट को फ्लो नहीं होने देता अपने में से, और what however वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है जब हम उसको करते हैं कैट स्किन के साथ। सो उस सब्सटांस का नेचर क्या होगा, सो दैट सब्सटांस इज इंसुलेटर, वो सब्सटांस क्या होगा, इंसुलेटर होगा। सेकेंड बी पार्ट पूछा है, वुड इट शो लो हाई और वेरी हाई रेजिस्टिविटी, क्या उसकी लो या हाई या वेरी हाई रेजिस्टिविटी होगी। सो इसका आंसर आ जाएगा, द सब्सटेंस रेफर्ड इन ए, जो यहाँ पे ए पार्ट इसमें जो रेफर किया गया है, हैज़ वेरी हाई रेजिस्टिविटी, उसकी हाई रेजिस्टिविटी होगी। क्वेश्चन नंबर 8, एनालाइज द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। गिवन है हमारे पास R1 रजिस्टर जो है उसके रजिस्टेंस 2 ओम, R2 की 4 ओम, R3 की 6 ओम। ए पार्ट है, आइडेंटिफाई द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर, ये हमारे पास तीन डायग्राम दी गई है, इनमें जो कौन सी डायग्राम है जहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है और कौन सी डायग्राम है जहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन है रजिस्टर का। सो आप जो यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट जो है यहाँ पे R1 R2 ये दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है, और यहाँ पे जो थर्ड फिगर है यहाँ पे R1 R2 पैरेलल में है। द सेकंड फिगर जो है इसमें रेजिस्टेंस जो है R1 R2 और R3 तीनों सीरीज में है। और बी पार्ट में पूछा गया है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। सो जो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है इन सभी के केस में टोटल रेजिस्टेंस आपने निकाल ली है। तो फर्स्ट जो है फिगर फर्स्ट में यहाँ पे R1 R2 पैरेलल में है, तो हमारे पास हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और यहाँ पे वैल्यू दी है R1 की, वो हमारे पास 2 ओम है, तो 1/2 ओम प्लस 1/4 ओम, एलसीएम 4 आ गया, 2+1, दिस इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 4/3 ओम। सेकेंड केस आ गया, यहाँ पे तीन रजिस्टर सीरीज में है, तो हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे, 2+4+6 12 आ जाएगी, और थर्ड में R1 R2 पैरेलल में है, तो हमारे पास बन जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, 1/2 ओम प्लस 1/4 ओम, दिस इज इक्वल टू 3/4 ओम एंड R इज इक्वल टू 4/3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
अ वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम ए एंड बी आर द टू पॉइंट्स ऑन द वायर डिवाइडिंग इट इनटू अ क्वाड्रेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ आई वन एंड आई टू। एक वायर जो है उसको हम बेंट करते हैं सर्कल में और जिसकी रेजिस्टेंस 40 ओम है, ए और बी जो है वो दो पॉइंट हैं वायर ऑन द वायर जो कि डिवाइड करते हैं इट इन टू अ क्वाड्रेंट। तो फाइंड करना हमने वैल्यू ऑफ आई वन एंड आई टू। इस तरह से आपके पास ये वायर होगी, ठीक है, और यहाँ पे ए और बी दो क्वाड्रेंट इस तरह से आ गया, ये 90 डिग्री और हमारे पास यहाँ पे आई करंट यहाँ पे एंटर कर रहा है और यहाँ पे लीव कर रहा है, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा इसका, दस द टू सेक्शन ऑफ द वायर फॉर्म अ पैरल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर्स 10 ओम एंड 30 ओम। सो इन दिस केस आई वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर 10 ओम एंड आई टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 30 ओम। सो दिस गिव्स आई वन ओवर आई टू इज इक्वल टू 30 ओवर 10, दिस इज इक्वल टू 3। सो I1 is equal to 3 by 4 multiply A, this is equal to 0.75 ampere and I2 is equal to 1 by 4 multiply 1, this is equal to 0.25 ampere. Question number 10. The heat produced by the electric current is given by the relationship H is equal to I square RT. जो heat produce होती है जब किसी conductor में से current flow करता है वो directly proportional होती है current का square, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सो हाउ डज एच वेरी व्हेन, जो एच जो है उसकी वैल्यू के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा अगर करंट इज डबल, करंट को डबल कर देंगे हम तो हमारे पास जो हीट प्रोड्यूस होगी वो 4 टाइम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आई की जगह आप जब 2i कर दोगे 2 to the 4 हो जाएगा। सो हमारे पास इन दैट केस व्हेन द करंट इज डबल हीट प्रोड्यूस बिकम्स 4 टाइम्स। सेकंड रेजिस्टेंस इज हाफ, जब रेजिस्टेंस को हाफ कर दोगे तो हमारे पास हीट प्रोड्यूस्ड विल बी हाफ, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हीट रेजिस्टेंस के। थर्ड पूछा है टाइम इज डबल, जब टाइम को डबल कर दोगे तो हमारे पास हीट भी डबल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2t कर दो तो हमारे पास दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस एच। सी पार्ट का आंसर व्हेन टी इज डबल द हीट प्रोड्यूस विल आल्सो बी डबल। क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रिशियंस वेयर रबड़ सैंडल और शूज और रबड़ हैंड ग्लोव्स व्हाइल वर्किंग। जो हमारे पास इलेक्ट्रिशियन होते हैं जब वो काम करते हैं तो वो रबड़ के सैंडल पहनते हैं या फिर वो जो रबड़ के हैंड ग्लोव्स उनको वो पहनते हैं जब वो काम करते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जो रबड़ जो होता है वो इंसुलेटर होता है एंड इट डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। सो इफ बाई चांस द इलेक्ट्रिशियन वेयरिंग रबड़ ग्लोव्स शूज इज हैपन टू टच अ लाइव वायर द रबड़ ग्लोव्स विल नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू हिज बॉडी टू द अर्थ, एज अ रिजल्ट ही विल नॉट एक्सपीरियंस एनी इलेक्ट्रिक शॉक एंड विल रिमेन सेफ इवन इफ ही हैपन्स टू टच अ लाइव वायर।